नमस्कार, क्रिकेट की हमारी खास प्रस्तुति वीडियो से की आउटस्विंग में आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पल्लेकल टेस्ट के पहले दिन की। हमारे साथ मौजूद हैं बीसीसीआई लेवल 2 के कोच श्री देवाशीष निरोसे जी। निरोसे जी, पहले ही दिन भारतीय टीम ने 350 से ज्यादा रन बना लिए हैं। अमूमन ये देखा नहीं जाता है कि 300 से ज्यादा, जब 300 से ज्यादा रन बन जाते हैं तो बहुत मजबूत स्थिति में टीम को मान लिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो 6 विकेट भी आउट हो चुके, तो कहीं आपको लगता है कि श्रीलंका बाउंस बैक कर सकता है इस स्थिति से? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आज तो पहला दिन है और बाउंस बैक करने के लिए जिस तरह से आपने देखा कि 188/1 था और वहां से जब उन्होंने बाउंस बैक किया है तो आज उन्होंने अभी इंडियन टीम को 327 पर रिस्ट्रिक्ट किया है और उस पर 6 विकेट आपके मेन जो 6 बैट्समैन वो आउट किए हैं, तो बाउंस बैक करने की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। और मैं समझता हूँ कि 2 मैच हारने के बाद हो सकता है कि एक एडिशनल प्रेशर उस टीम पे भी है कि अच्छा परफॉर्म करना है, तो निश्चित तौर पे वे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। 2 मैच हारने की बात कही निरोसे जी ने, गाले टेस्ट के बाद एक और मैच भारतीय टीम जीत चुकी है, ये जीत कर एक इतिहास रच देंगे अगर 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ तो। बात करें मैच, तीनों मैच में कॉमन फैक्टर पर, तीनों मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता, विराट कोहली ने टॉस जीता। विराट कोहली के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि उनके टॉस जीतने का प्रतिशत बहुत ज्यादा, तो यूं तो टॉस की कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये किस्मत की बात है। तो कहीं आपको लगता है कि अगर ये टॉस 3 में से 2 या 1 भी श्रीलंका ने जीता होता तो कहीं कोई परिणाम में फर्क आता या गेम प्लान चेंज होता टीम इंडिया का? नहीं, हाँ, निश्चित तौर पर गेम प्लान तो चेंज होता ही है, क्योंकि जब आप टॉस एक ऐसी चीज है जो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका बस नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसके हिसाब से आप गेम प्लान नहीं बना सकते हो कि मैं टॉस जीतूंगा ही, तो मेरा एक आपका ABC गेम प्लान होते हैं। अगर पहला गेम प्लान आपका सक्सेस नहीं होता तो आपके पास दूसरा होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। ये जरूर है कि विराट इस मामले में बहुत किस्मत वाले रहे और पहले भी हमेशा वो मतलब टॉस के मामले में काफी फॉर्चुनेट रहे, लेकिन जिस तरह से पुराना परफॉर्मेंस आप श्रीलंकन टीम का देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम कोई टॉस पे कोई बहुत ज्यादा टॉस से फर्क पड़ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रदर्शन में सुधार आ सकता था, लेकिन हार जीत के फैसले पे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट श्रीलंका के अगर नजरिए से देखें तो पड़ता। आज पहले दिन भारतीय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल और शिखर धवन ने 188 रनों की साझेदारी निभाई पहले विकेट के लिए। शिखर धवन का शतक रहा तो लोकेश राहुल बहुत कम अंतर से शतक चुक गए, 85 रन पर आउट हुए। लोकेश राहुल भारत की तरफ से सबसे ज्यादा लगातार अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, अनोखा रिकॉर्ड है। अब सबसे ज्यादा 7 बार वो लगातार अर्धशतक बना चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च में जो सीरीज खेली थी उससे लेकर श्रीलंका तक वो 7 टेस्ट पारियों में जबरदस्त लगातार। तो क्या ये वही पल है जिसके लिए क्रिकेट समीक्षक कह रहे थे कि रुकिए राहुल, लोकेश राहुल अभी अपने सर्वश्रेष्ठ खेलेंगे, सर्वश्रेष्ठ खेलेंगे, तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ खेलने के लिए अग्रसर हो चुके? बिल्कुल सही है, जहां तक, क्योंकि क्या होता है किसी भी प्लेयर में एक उम्मीद आपको दिखती है कि हाँ ये प्लेयर एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छे समय और लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व करेगा, तो लोकेश राहुल में वो सारी संभावनाएं हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। जो जैसा आपने पूछा कि ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे सिलेक्टर्स और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, टीम मैनेजमेंट है, वो पूरा भरोसा उनमें जता रहा है और वो जो उस भरोसे पे खरा भी उतर रहे हैं, लेकिन जहां श्रेष्ठता की और आप अगर जाना चाहेंगे तो वहां पे कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। ये जरूर है कि ये बहुत एक रिकॉर्ड है कि आपने 7 कंसेक्यूटिव 50 आपके 50s हैं, लेकिन आप बड़े कब बनेंगे जब ये 50 को आप 100 में कन्वर्ट करेंगे, और यही फर्क आपका विराट और सचिन, राहुल, लक्ष्मण, सौरभ, वीरेंद्र सहवाग, इनमें और ये नए बच्चे हैं जो इनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर हम 50 बना रहे हैं तो 50 को हम कैसे बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट करें। तो जब ये कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तब ये हम कहेंगे कि ये उस श्रेणी में जब खड़ा करेंगे उनको, ये जब इसको कन्वर्शन रेट इनका इंप्रूव होगा और ये उसको बढ़ाते जाएंगे। भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर श्रीलंका को लगभग हर विभाग में मात दी है, श्रीलंका कहीं भी मुकाबले में नजर आ ही नहीं रही है। इसके बाद भारतीय टीम के विदेशी दौरे, दक्षिण अफ्रीका जाना है, कुछ मुश्किल चुनौतियां रहेंगी,
तो क्या आप ये कह सकते हैं कि तैयारियां सही दिशा में है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो वो टीम अच्छी और बुरी के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं होती, आपकी आपकी प्रिपरेशन होती है अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने अपनी तैयारियां आप कैसे कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो जिस तरह से टीम की प्रिपरेशन है, जिस तरह से टीम प्लान कर रही है और जो तैयारियां हमें दिख रही है वो तैयार निश्चित तौर पे, चूंकि साउथ अफ्रीका टूर बहुत जो अग्नि परीक्षा है मुश्किल माना जाता है साउथ अफ्रीका तो, लेकिन ये है कि आप जब तैयारियों की बात करेंगे तो तैयारी थी। मुझे एक बहुत अच्छा इंस्टेंस अभी उमेश यादव का जो एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम सारे जो पहले नहीं देखने को मिलती थी ये यही जो तैयारियां हैं जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि सोच की एक थॉट प्रोसेस जो टीम का चलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने बोला कि हमने भी अपनी एक टीम बनाई है फास्ट बॉलर्स की और हम एक दूसरे की के परफॉर्मेंस पे खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं बाहर बैठा हूं तो मुझे तकलीफ हो रही है, ईशान खेल रहे हैं या भुवनेश खेल रहे हैं या शामी खेल रहे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए खुश हो रहे हैं। और अगर कोई भी फास्ट बॉलर बाहर बैठता है तो हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि भाई विकेट ऐसा है या बैट्समैन ऐसा खेल रहा है जो क्या होगा बाहर से आपको ज्यादा अच्छा दिखता है। तो हम वो उन चारों पांचों में ये है कि हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये जब ये एक कॉम्बिनेशन जब आता है और आप पार्टनरशिप में जब आप खेलने जाते हैं तो यही तो तैयारियां हैं जो आपको बहुत बड़ा बनाती है। ये एस्पेक्ट पहले नहीं पहले था, बट इतने निस्वार्थ भाव से कि हम एक दूसरे की सफलताओं पे खुश हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि टीम का माहौल अंदरूनी माहौल बहुत अच्छा है, एक दूसरे को खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, परस्पर सहयोग की भावना चरम पर है और यही जीत के लिए जरूरी भी है। ये कोई भी टीम सर्वश्रेष्ठ टीम तभी बन सकती है जब वो घर में भी जीते और विदेशों में भी। क्रिकेट में तो कहा जाता है कि जब आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में जीत के आओ तभी आप वास्तविक रूप से नंबर वन कहलाओ। तो ये दुनिया के हर कप्तान का सपना है। बिल्कुल है। तो विराट का ये मिशन शुरू हो चुका है। हाँ, बिल्कुल है। और विराट का आप अगर देखेंगे ना तो उसका व्यक्तित्व ही आप जब देखोगे तो आपको लगेगा बहुत थारू प्रोफेशनल क्रिकेटर है। मतलब वो जो चीज करते हैं अगर वो फिटनेस को भी देखे, उन्होंने इंडियन क्रिकेट में फिटनेस के मायने बदल दिए। आज विराट की फिटनेस हम किसी भी बड़े विदेशी क्रिकेटर ही नहीं, हम किसी भी बड़े एथलीट से कंपेयर कर सकते हैं जो जो फिटनेस लेवल आज विराट लेके चल रहे हैं। और उसको वो उस तैयारियों को जब दूसरे प्लेयर्स भी देखते हैं उनकी तैयारियों को निश्चित तौर पे तो उनको भी फर्क पड़ता है। मैं एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ आपको कि इनका जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरू में, तो एक यूपी के बहुत अच्छे यंगस्टर हैं, क्रिकेटर हैं, तो बहुत वेट पुट ऑन किया हुआ था उन्होंने और उसमें उसको सिर्फ इसलिए नहीं उन्होंने खिलाया कि पहले ये बोला कि उसको भाई आप अपना फिटनेस लेवल इंप्रूव करें, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और उनको देख के बाकी प्लेयर्स सीख रहे हैं, क्योंकि आज का क्रिकेट कैसा हो गया कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वन डेज खेल रहे हैं, आप T20 खेल रहे हैं, आप IPL खेल रहे हैं और T20 के बाकी भी सभी देशों में आजकल बहुत अच्छे बड़े बड़े लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो वहां अगर ये साल भर क्रिकेट खेलना है तो आपको मेंटल फिटनेस के अलावा फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, जो 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 सारे मायने आज विराट ने तो कप्तान को जब फ्रंट से लीड करते हो वो चीज आप विराट में देखने को मिलती है। तो सारे के सारे विराट को उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उतना ही सीरियसनेस उसकी बैटिंग में होती है, उतना ही सीरियसनेस उसकी डाइट पे है। मतलब आप देखिए वो मीठा नहीं खाता है, उसने उससे ही का इंटरव्यू था अभी कि उसमें मैंने देखा उसने रोटियां नहीं खाई हैं उसने। तो ये सब तैयारियां जब आप बहुत प्रोफेशनल होते हो तब ये सब तैयारियां आपको, और फिर आप मॉनिटर करते हो सारी तैयारियों को। जब आप सीरियस होगे तो निश्चित तौर पे आप सारे प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी उसी तरह से उस क्रिकेट को सीरियसली ले। तो पहले खुद कर रहे हैं विराट कोहली, फिर खिलाड़ियों को उसका निर्देश दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यस। तो ये थे निलोसे जी जो हमसे बात कर रहे थे भारतीय टीम की आने वाले दौरों को लेकर तैयारियों के बारे में, भारतीय टीम के अंदरूनी माहौल के बारे में जो कि बहुत खुशनुमा है। और भारतीय टीम श्रीलंका में अपना आखिरी टेस्ट खेल रही है, इसके बाद सीरीज हम जीतते हैं अगर 3-0 होता है अंतर तो ये एक इतिहास होगा।
वेब दुनिया के फेसबुक लाइव में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए ट्यून कीजिए webdunia.com।